हेलो दोस्तों, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं बहुत दिन बाद नाइटमेयर मोड। और हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है, हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेन को फुल्ली अपग्रेड करेंगे पहले, तो ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड हेल्थ भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोग पता ही है नाइटमेयर मोड जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। हमारे पास कितना भी स्क्रिप्ट हो, फिर भी हम लोग चार्ल्स को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो आपको लास्ट में पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो पहले तो हम लोग यहाँ से स्क्रिप्ट जितना भी हो कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेन को पूरा अपग्रेड करेंगे हम लोग, फिर चार्ल्स से फाइट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। और हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि नाइटमेयर मोड में अगर एक से ज़्यादा चार्ल्स आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि भाई इसमें तो पता ही एक चार्ल्स इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। तो हम लोग इसमें बहुत सारे चार्ल्स भी स्पॉन करने वाले हैं। उसके बाद पहले तो हम लोग अपना ट्रेन को अपडेट करते हैं, देखते हैं कि कितना स्क्रैप्स हमारे पास हो गया। 129 स्क्रैप्स, तो इतना में तो हमारा स्पीड लेवल तो अपग्रेड हो ही गया है। तो अभी हम लोग डैमेज लेवल और आर्मर लेवल भी अपडेट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या इधर और कोई स्क्रैप्स है, ऊपर एक बार देख लेते हैं चल के। और भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैप्स है। तो ओके, यहाँ पर भी हम लोग एक चीज़ ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कौन जो एक पहले गेस कर पाता है कि यहाँ पर कितना स्क्रैप्स होने वाला है। ठीक है, चीटिंग मत कीजिएगा, वीडियो को यहाँ पर प्यूज़ कीजिए और बता दीजिए कमेंट में अभी कि कितना स्क्रैप्स यहाँ पर होगा। तो हम लोग फटाफट से कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कितना स्क्रैप्स हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पर कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और हाँ, यहाँ पर हम लोग लास्ट में जब हेल चार्ल्स को मारेंगे तो लास्ट में हम लोग इसका सीक्रेट लोकेशन में भी जाने वाले हैं, जहाँ पर गुफा में एक्स होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग इसमें जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग सारे स्क्रैप्स यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। भाई साहब, स्क्रैप्स की कमी नहीं है यहाँ पर भाई, स्क्रैप्स के लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहो उतना स्क्रैप्स हम लोग यहाँ पर लूट सकते हैं भाई, यही तो खासियत है इस मोड का। तो यहाँ पर मैंने लगभग बहुत सारे स्क्रैप्स कलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक ख़त्म हुआ नहीं। सारे स्क्रैप्स मैं कलेक्ट करता हूँ पहले, तो ये लो भाई कितना स्क्रैप्स अभी। तो ठीक है, मुझे क्या लगता है आपको ट्रेन को पूरा अपग्रेड करने के बाद भी हम लोग चार्ल्स से फाइट कर पाएंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, ट्रेन को अगर कितना भी हम लोग अपग्रेड कर लेना, इसमें हेल चार्ल्स को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, लेकिन उसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने इस तरह भी ट्राई किया नॉर्मल हेल्थ करके, अनलिमिटेड स्क्रैप्स यूज़ करके, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया भाई, बहुत ज़्यादा टफ है ये सही में। तो ओके, तो मैंने यहाँ से सारे स्क्रैप्स कलेक्ट कर लिए। अब देखते हैं आप लोग का गेस सही होता है कि नहीं। यहाँ से हमारे स्क्रैप्स हुआ 234, तो पहले से तो 3 स्क्रैप्स था, मतलब कि हम लोग 231 स्क्रैप्स वहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि कितना जो सही बताया है। ओ भाई, थोड़ा सा स्क्रैप्स कमी हो गया, खैर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा स्क्रैप्स स्पॉन कर लेते हैं बाहर चल के। अभी फंस गया क्या यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रैप्स स्पॉन करता हूँ। ये लो भाई, कितने स्क्रैप्स चाहिए? जितने स्क्रैप्स चाहिए स्पॉन करो, ले लो। ओके, तो लगभग यहाँ से मैंने स्क्रैप्स स्पॉन कर दिया, फटाफट से कलेक्ट करते हैं। अब आई थिंक हो जाना चाहिए अपग्रेड पूरा, चल कर देखते हैं भाई। ट्रेन कितना मस्त लग रहा है ना, अभी चलते हैं अंदर में। अभी यार बार बार फंस क्यों जाता है इधर? ठीक है, 36 स्क्रैप्स में हो गया हमारा ट्रेन जो है पूरा अपग्रेड। अब चलते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे गन चलाना पड़ेगा। मैं एक बार वहाँ से दिखा देता हूँ, दिखिए भाई नाइटमेयर मोड में मैंने गेम शुरू होने से पहले ही अपने ट्रेन को पूरा अपडेट कर लिया है, बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा। तो थोड़ा सा गन चलाते हैं ताकि यूजीन आ जाए। और यहाँ पर यूजीन आ चुका है। हेलो यूजीन। अब भाई तू तो भाई उसमें वो वाला मोड में जिंदा नहीं बचता था, नाइटमेयर मोड में तो तू वैसे ही नहीं बचने वाला है। चलते अब, हमारा ट्रेन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया यहीं पर। तो देखते हैं कि चार्ल्स हमें पकड़ पाता है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर चार्ल्स आ गया है, लेकिन देखिए ट्रेन का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसका वजह से चार्ल्स जो है मतलब पहुँच ही नहीं पा रहा है। ऊपर से नाइटमेयर मोड में इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, सही से कुछ दिखता ही नहीं है भाई ये मोड में, यही तो दिक्कत है। ऊपर से इसलिए गेम जो है थोड़ा ज़्यादा ही टफ हो गया नाइटमेयर मोड में। रुको, ट्रेन को रोक देता हूँ मैं, क्योंकि चार्ल्स जो है यूजिन को मार ही नहीं पाएगा इस तरह गेम हमारा कभी भी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा रोक देते हैं ताकि चार्ल्स जो यूजिन को मार दे। यूजिन सॉरी, पर मेरे पास फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हें मारने के अलावा। और यहाँ पर यूजिन के काम तमाम कर दिया चार्ल्स ने। भाई सब हेल चार्ल्स में चार्ल्स का लुक थोड़ा सा अलग ही लगता है क्या, आप लोग बताइए? तो मुझे तो हेल चार्ल्स में चार्ल्स का लुक थोड़ा सा सही में अलग ही लगता है। ओके, चलते हैं यहाँ से अब। तो अभी हम लोग एक एक करके सारे एक्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर पे और देखिएगा भाई हेल चार्ल्स को। मेरे पास इतना ज़्यादा स्क्रैप्स है, फिर भी हेल चार्ल्स को हराना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर अनलिमिटेड हेल्थ नहीं लाया होता ना, तो सही में चार्ल्स मुझे आसानी से मार देता। तो पहले इससे हम लोग बात कर लेते हैं। हेलो, भाई इसको डर नहीं लग रहा, अंधेरा में अकेले बाहर बैठी हुई है सही में, घर के अंदर भी तो चले जा सकती थी। खैर छोड़िए, यहाँ से हमें पहला टास्क मिल गया, यहाँ से हम लोग चलते हैं। और क्या हम लोग अगर नाइटमेयर मोड में बहुत सारे चार्ल्स स्पॉन करें तो क्या होगा, ट्राई करके देखें क्या? तो यहाँ पर मैं अब चार्ल्स स्पॉन करता हूँ। ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पर चार्ल्स स्पॉन कर दिया। भाई साहब देखिए भाई, मौका ही नहीं दे रहा है तो कहीं देखने का, यहाँ पर कहीं भागने का।
ये नाइटमेयर मोड में यही है भाई, जिसमें चार्ल्स जो है कुछ ज़्यादा ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से देख रहा मतलब पीछे से लोग मौका ही नहीं दे रहे मुझे कि कहीं भागूँ या कुछ करूँ। मुझे थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाना होगा और यहाँ से मुझे किसी तरह से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चार्ल्स मुझे अब जाने ही नहीं देंगे। तो फटाफट भागो यहाँ से, जल्दी 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 भाई, चार्ल्स मेरे पीछे दौड़ रहा था। जैसे तैसे मैं वहाँ से बच बच के भागा, लेकिन एक चार्ल्स मेरे पीछे पड़ गया। भागो यहाँ से अंदर, अब आ जा भाई, अब क्या हो गया भाई, चार्ल्स का फट गया बेचारा, अंदर नहीं आ पा रहा। ठीक है हम लोग चलते हैं अंदर, अब वहाँ से पहला एक लेते हैं और ये पहुँच गया पहला एक की तरफ, कलेक्ट किए, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। ओ भाई एक ही शॉटगन में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमको भाई। फिलहाल तो इसको छोड़ देता रहता भाई, डिलीट कर देता, ज़्यादा गुस्सा आएगा तो सही मैं गेम से बाहर कर दूंगा मैं सबको। ठीक है तो वहाँ से सीधा कलेक्ट करके सीधा दूसरा टास्क की तरफ आ गया हूँ मैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जल्दी। ओ भाई साहब यहाँ पर भी इतना सारा स्क्रिप्ट, पता नहीं यहाँ पर कहाँ से स्क्रिप्ट आ गया भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है तो यहाँ पर भी हम सारे स्क्रिप्ट कलेक्ट कर लेते। वैसे तो हमारा ट्रेन अपग्रेड हो ही चुका है, लेकिन अगर लास्ट में चाल से फाइट होगा तो हम लोग इससे जो है अपनी ट्रेन को हेल्थ को तो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, इससे भी हम लोग बात कर लिया। अब जल्दी से चल के सेकंड एग हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे तीन एग कलेक्ट करना पड़ेगा ना, फिर जाएगा मंदिर पे। इसको डिलीट कर दो क्या, ये ले बहुत बोलता भाई, डिलीट कर दिया मैंने इसको। हाँ मुझे दिख रहा है कि आपको ऊपर, मुझे लगता है डिलीट हो चुका है, चल के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है ये देखिए भाई, सब कुछ गायब कर दिया बेचारे, घर वर सब कुछ डिलीट कर दिया हम लोग। यहाँ पर एक स्क्रैप से ले लेते हैं और चलते हैं यहाँ से सीधा आप सेकंड एग की तरफ। ओके तो डायरेक्टली मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ से हम लोग सेकंड एग कलेक्ट करेंगे। ओके तो मैंने यहाँ पर दो एग कलेक्ट कर लिया, दरवाज़ा करो डिलीट भाई, मैं तो यहीं से जाऊँगा, मैं कहीं से नहीं जाऊँगा। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। अबे तेरी ऐसी ये लो डिलीट कर दिया, एक सेकंड में डिलीट भाई साहब। ओके तो मैं वहाँ से मैं सीधा आ गया यहाँ पर तीन थर्ड टास्क की तरफ। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है, क्योंकि चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। ओके ओके ठीक है, अब हमें लगाना है ब्रिज पर बम ताकि हेल्थ चार्ल्स को हम लोग लास्ट में मार सके, लेकिन बिना अनलिमिटेड हेल्थ का हेल्थ चार्ल्स को मारना इसमें सही में ना के बराबर है। बहुत मैंने ट्राई कर चुका है लेकिन हमसे भी नहीं हो पाया भाई, क्योंकि कुछ ओवर टफ बना दी भाई, थोड़ा सा तो एवरेज रखा होता भाई, इतना ज़्यादा टफ बनाने की भी क्या जरूरत थी हेल्थ चार्ल्स को। ठीक है तो यहाँ पर मैं चार बम लगा लिया, और चार बम लगा लेता हूँ इधर से लगाते हैं हम लोग। मुझे नहीं लगता कि हेल्थ चार्ल्स नहीं मतलब नाइटमेयर मोड में कोई जो है बिना अनलिमिटेड हेल्थ का गेम जो है ख़त्म किया होगा अभी तक। चलते हैं सीधा, अगर कोई ये ख़त्म किया होगा तो भाई सही में मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भाई मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कितना ज़्यादा टफ है। ठीक है चलते हैं अंदर, इससे बात कर लेते हैं, मैंने ब्रिज पर बॉम्ब तो लगा दिया है। ओके 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 ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग बाहर। तो यहाँ पर हमारा आधा काम तो खत्म हो गया, बस हमें एक लास्ट अब एक और एक लेना है और सीधा जाना मंदिर पे, और वहाँ पर भाई हेल चाल से फाइट करना है, देखते क्या होता है। ठीक है पहुँच गए इसके पास भी हम लोग। ओके ओके भाई ओके, बहुत ज़्यादा सीरियस बंदा है ये सबसे भाई, ये लोग समझ नहीं आता इतना अंधेरे में बाहर क्यों खड़े हैं, लेकिन सबके सब खैर कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग तो फटाफट से थर्ड एक कलेक्ट करते हैं और सीधा चलते हैं मंदिर पर। ओके और लास्ट में हम लोग हाँ सीक्रेट लोकेशन में भी जाने वाले हैं इसमें, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ये मार्क्स में नहीं घूम रहे, यहाँ पर स्क्रिप्ट स्पॉन करो, ये लो भाई स्क्रिप्ट ले लो, कितना स्क्रिप्ट चाहिए तुमको। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट स्पॉन करते आ रहा हूँ, ये देखिए रास्ते में कितने सारे स्क्रिप्ट स्पॉन कर दिया भाई, कितना मन चाहे उतना स्क्रिप्ट ले सकते हो भाई, मज़ा ही मज़ा है सही में। ओके चलते हैं हम लोग। तो वहाँ पर मैंने सीधा एक बार कलेक्ट कर लिया, वहाँ से सीधा आ गया वो मंदिर पर। ठीक है अब यहाँ पर हेल चार्ल्स को बुलाते हैं हम लोग। भाई मुझे चार्ल्स का आवाज़ आ रहा है, ओ भाई चार्ल्स यहाँ पर आ गया। चार्ल्स चाहता नहीं कि मैं यहाँ पर जाऊँ और तीनों एक लगाओ, फटाफट से गेट खोलो और अंदर घुसो भाई, चार्ल्स मुझ पर अटैक पे अटैक कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं अनलिमिटेड हेल्थ नहीं लगाया होता ना तो भाई चार्ल्स मेरे यहीं पर काम तमाम कर दिया होता, लेकिन अनलिमिटेड हेल्थ की वजह से मैं बच रहा हूँ तब से। ओके तो फटाफट से लगा देते हैं यहाँ पर एग्स भाई, हेल्थ चार्ल्स अब आने वाला है बहुत ज़्यादा जल्द भाई। नाइटमेयर मोड सही में देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है सही से। ओके फर्स्ट एग लगा लिया, दूसरा एग भी लगा लिया, थर्ड एग लगा जल्दी से, उड़ा गया यहाँ पर ये भाई। तुमको अभी हेल्थ चार्ल्स खाने वाला है, क्योंकि हेल्थ चार्ल्स जो है पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि हेल्थ चार्ल्स जो इसी को खाता है सबसे पहले भाई। चल निकल यहाँ से निकल, चलो और यहाँ पर मैंने तीनों एक्स लगा दिया, अब चार्ल्स आने ही वाला है, चल तू निकल। अरे निकल यार। ओके आखिर जिसका जिस टाइम का हमें वेट था वो टाइम आ चुका है, यहाँ पर हेल्थ चार्ल्स आ चुका है भाई, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक हो गया ये, और ज़्यादा एग्रेसिव भी हो चुका है ये, लेकिन आज हम लोग इसको मारेंगे।
ओके कम ऑन आ जाओ मेरे पीछे। देखिए चार्ल्स जो है मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। भाई साहब देख रहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये मोड में तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई, अंधा धुंध दौड़ रहा है ये बंदा। और ये खा गया उसको भाई, हमें फुल फुल बोल रहा था लेकिन चार्ल्स ने बहुत बढ़िया किया उसको खा के। भाई कुछ नहीं दिख रहा, ट्रेन हमारा है कहाँ गया, ये रहा ट्रेन, चल भाग गया सब, जल्दी 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 ट्रेन स्टार्ट करो। और देखिए चार्ल्स ने मुझ पर अटैक कर दिया है। अभी आप लोग मेरा हेल्थ देखिए नीचे ट्रेन का, ठीक है अगर आप लोग खुद बताएगा, अगर मैं यहाँ पर अनलिमिटेड हेल्थ अगर नहीं लगाया होता तो क्या मैं इसको मार पाता। देखिए ट्रेन का हेल्थ खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर जो है मेरा हेल्थ कम होना स्टार्ट हो गया होता अगर मैंने यहाँ पर अनलिमिटेड हेल्थ का यूज़ नहीं किया होता। तो मेरे पास फिलहाल थोड़ा बहुत स्क्रब से तो मैंने यहाँ पर ट्रेन का हेल्थ फुल कर लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम लोग इस तरह से हम लोग हेल्थ चार्ल्स को मार सकते हैं इसमें। देखिए मैं ट्रेन पूरा अपग्रेड है, स्पीड लेवल पूरा अपग्रेड हो चुका, फिर भी देखिए चार्ल्स जो है कितना आसानी से हम लोग पकड़ ले रहा है। ऊपर से गन जो है बार बार रिलोड हो रहा है। देखिए पहले तो मैं फिर से ट्रेन का हेल्थ फुल कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल मोड से खेले बिना कोई मोड्स का यूज़ किया तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल ही है सही में यार। इसको ले मारते हैं हम लोग, इसका हेल्थ हम लोग ख़त्म करते हैं। अभी यार ये गन पे भी मुझे मोड यूज़ करना पड़ेगा, गन बार बार रिलोड पे चला जा रहा है। मैं इस पर एक ही बार मोड डाल दूंगा भाई, ये रिलोड ही नहीं होगा कभी, कभी हिट भी नहीं होगा ये। रुको पहले तो इसको मारता हूँ मैं, आ जा तू आ जा, तुमको ऐसे समझ नहीं आएगा भाई। इसका कोशिश कर रहा हूँ मुँह पे गोली मारने पर मारने का लेकिन इसका मुँह ही नहीं दिखाई दे रहा है भाई, इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। इसका फेस कहाँ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अबे यार देखिए ट्रेन का हेल्थ पूरा खत्म हो चुका है, नीचे देख लीजिए। अब मेरा हेल्थ कम होना स्टार्ट हो गया होता सही में, अगर अनलिमिटेड हेल्थ नहीं लगाया होता तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। कितना भी हम लोग ट्रेन को अपना अपग्रेड कर ले इससे हम लोग नहीं जीत सकते। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, 10 मिनट के आसपास लगी गया इसको मारने के लिए, लेकिन अभी भी देखिए इसका हेल्थ थोड़ा सा बचा हुआ है। मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होता और ये तो मरने का नाम ही ले रहा है। मैंने यहाँ पर मोड भी लगा दिया गन पे कि ये हिट ना हो, फिर भी देखिए भाई कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको मारने का। भाई यार गेम बनाने वाला बंदे ने कुछ ज़्यादा ही टफ बना दिया सही में। ओके तो मैंने यहाँ पर हेल्थ चार्ज का हेल्थ लगभग ख़त्म कर ही दिया है और बस थोड़ा सा हेल्थ बचा हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हो गया हेल्थ चार्ज का हेल्थ। ओके तो यहाँ पर ब्रिज पर आ चुका है भाई, तुम्हारा काम ख़त्म। भाई नाइटमेयर मोड में बहुत बहुत फुदक रहा था ये, आखिर हम लोग इसको ख़त्म कर ही दिए। और भाई साहब इसका शकल देखिएगा आप, ये देखिए ओ भाई बेचारा का शकल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका और ये गया भाई साहब हेल्थ चार्ज का। लेकिन जो एंडिंग है वो बहुत खतरनाक है सही में यार। ठीक है तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब हम लोग जाएंगे सीक्रेट लोकेशन पे। सीक्रेट लोकेशन आपको तो पता ही होगा ये है, यहाँ पर देखिए कितने 1:30 से। तो चौचो चार्ल्स टू में मुझे लगता है बहुत सारे चार्ल्स आने वाले होंगे अलग अलग कलर्स के, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पर आपको एक एक दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं, यहाँ पर बहुत 1:30 से। अभी मैं यही लोकेशन पर जाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर कितने 1:30 से यहाँ पर। भाई साहब मुझे लगता है 1:30 जो है चौचो चार्ल्स के ही है, इस सब में से चौचो चार्ल्स अगर निकलेंगे तो भाई कितने सारे चौचो चार्ल्स यहाँ पर हो जाएंगे सही में, मुझे तो सोच के डर लग रहा है। ओके भाई लेकिन सही में देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है ये सीन्स। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे घूमने के लिए, तब और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब ठीक है अब चलते हैं हम लोग सीधा वहीं पे। और यहाँ पर गेम लगभग ख़त्म हो चुका है लेकिन नहीं, अभी हमारा जो है न्यू लोकेशन खुला हुआ है मैप में। मैं आपको दिखाता हूँ टॉर्च बार के, ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ आ चुका है हमारे ट्रेन के सामने में। भाई साहब देख रहे हैं आप लोग, ओके तो यहाँ से हम लोग ये पत्थर को डिलीट करते हैं ताकि हम लोग अंदर जा सकें। और ये देखिए अंदर में भाई साहब ये व्यू जो कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है यार सही में, कितने 1:30 कलर्स के एक से इसमें, भाई मज़ा आ जाता है ये जगह में घूमने में सही में यार। नहीं पर कितने कलर्स के एक से आप लोग बता सकते हैं, रेड है ग्रीन है और रेड ग्रीन और ब्लू भी है भाई, बहुत अलग अलग कलर्स के सही में। और दिखने का व्यू आपको कैसा लग रहा सही में बताइए हमें। मैं यहाँ पर कब से घूम रहा हूँ भाई, बहुत देर से घूम रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पर एक्सप्लोर करने में। और देखते हैं ऊपर चल के ऊपर क्या क्या है। ठीक है ओ भाई यहाँ पर तो स्क्रिप्ट है भाई, इसमें भी स्क्रिप्ट है वो भी इतना ज़्यादा, तो हम लोग 1:30 कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो हमारे स्क्रिप्ट का अब कोई काम है नहीं क्योंकि मैंने चार्ल्स को ऑलरेडी मार दिया है, लेकिन फिर भी अब मिल रहे थे कलेक्ट कर ही लेते हैं, क्या पता आगे चल के कहीं काम ही आ जाए, तो 1:30 हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए भाई ये सभी लाइट से कितना मस्त लग रहा है, स्क्रिप्ट जो चमक रहा है तो ना सबको कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। भाई कितना 1:30 है ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर लगभग 1:30 कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, अब मैं आपको एक्स को बड़ा करके दिखाऊं क्या, इसको बड़ा करूं, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये एक सेकंड ये देखिए बड़ा करना स्टार्ट कर दिया भाई, कितना ज़्यादा बड़ा हो गया एक।
अब भाई इतना बड़ा करने के बाद कहीं इसमें से चोचे चाल्स ना निकल जाए, लेकिन अगर इसमें से चोचे चाल्स अभी निकला तो भाई कितना बड़ा हो जाएगा चोचे चाल्स। और देखिए मैं आपको इधर कहीं थोड़ा घूम घूम के दिखाता हूँ, किस और किसी को बड़ा करूँ क्या, इसको बड़ा करूँ, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं, ठीक है। ये लो ये लो ये लो, और बड़ा और बड़ा और बड़ा भाई, इन्फिनिट है हम लोग कितना भी। अबे ये क्या हो गया भाई, एक गायब हो गया। उस सीट में एक का अंदर फंस चुका हूँ, मुझे एक भले दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं उसका अंदर ही फंस गया था। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए भाई कितना ज़्यादा चमकने लग गया है, तो भाई साइज़ बड़ा करते इसका, देखिए कितना चमक रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप चलते हैं, आप मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।